अस्सलाम वालेकुम मेरा प्यारा बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करते सब लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ अल्लाह के करम से। आज का व्लॉग शुरू हो चुका है और हम हमारे साथ हैं। मेरी तरफ से हज मुबारक हर बहन भाइयों से जो देखने वाले हैं। इंशाल्लाह बड़ा दिन है, बरकतों वाला दिन है। नमाज हमें पढ़ने से दे मेरे ना रात का ना ब्लड बता हुआ से तो इतना सर में दर्द है ना, जो मेरा इतना कोई चल नहीं रहा, मेरे कोई काम कार करो कुछ। इतना सिर में रात का इतना बड़ा दर्द है ना, सिर दुख रहा है। इंशाल्लाह जो भी आगे की रूटीन होएगी इंशाल्लाह बहन भाइयों से शेयर करेंगे। बड़ा दिन है, खुशी वाला है जो देखने वाले हैं। इंशाल्लाह सबको मेरी तरफ से भी हज मुबारक। जो भी सब व्यूवर देखने वाले हैं, मेरी तरफ से हज मुबारक। तो माशाल्लाह जी आप भी मुबारक दे दें। हज मुबारक हर के घर वाह जी वाह, मुबारक हो। चले जी आज का हमारा मॉर्निंग व्लॉग हो गया स्टार्ट हज वाला। तो माशाल्लाह जी आगे की जो भी माशाल्लाह प्यारी प्यारी रूटीन होगी सब बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। बहन भाई दुआ करें इंशाल्लाह हमारा चैनल करो करते इंशाल्लाह। बहुत ही मेरे को परेशानी है चैनल वाले, अल्लाह खैर करेगा। आज प्यारा दिन है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह कबूल करे, परेशानी अल्लाह पाक दूर करे। हाँ जी इंशाल्लाह जो आपकी रूटीन होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू अदर व्लॉग। जी हाँ, मैं हूँ आपका आमिर बलोच। मेरे यूट्यूब चैनल के माँ बेटा व्लॉग। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से हज मुबारक, क्योंकि माशाल्लाह आज हज का दिन है तो बहुत ही बड़ा दिन है। और माशाल्लाह जी आज की मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत ही मज़े का और ख़ूबसूरत होता है। तो पहले देखिए लालियाँ आ चुकी हैं और सूरज जो है ना हल्का सा जो है देखिए माशाल्लाह निकला हुआ है। और बकरियाँ वगैरह को जो है ना चारा डाल दिया था, अभी जो है ना खा पी के बैठे हुए हैं। तो अभी देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सूरज जो है ना निकल रहा है। तो ऊपर जो है ना हमारे बदल जो है ना हल्के हल्के से बने हुए हैं, ज़्यादातर नहीं है। तो थोड़े थोड़े इसका मतलब इस साइड पे जो है ना सूरज के साथ जो है ना बने हुए हैं। और जो है ना आज जो है ना वो नमाज़ वगैरह तो हमने सुबह सुबह ही पढ़ ली थी, क्योंकि फिर कुछ दिन निकलता है। इसलिए मैं वीडियो स्टार्ट शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं है तो अंधेरा हो तो सही तरीके जो है ना वीडियो बनाता नहीं है। तो इसलिए मैंने यहीं से ही शुरू कर दिया था। यह मतलब जब थोड़ा थोड़ा जो है ना तो वो रोशनी आई तो मैंने शुरू कर दिया। चलें जी माशाल्लाह आज जो है ना वे लोग मज़े का होने वाला। अभी बनाने हैं सेवया शेवया, जो भी आगे की रूटीन होगी फिर आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी न्यू चैनल पे आ रहे हैं यार जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर। माशाल्लाह जी अम्मी जान जो है ना पहले जो है ना बिस्तर वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं। बिस्तर जो है समेट लो, अंदर चार पाई सट दो, फिर जो आगे था जो काम कर रहा है वो कुछ सही नहीं है, बस गुजारा लायक है। इस तरह का रहती है एक इसका अंदर अंदर डालने के बाद जो है ना अम्मी जान ने कहा पहले जो है ना घर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि सेवियां लेके आया है मैं तो तू ना थोड़ा सा ना बालन टोक के दे। हाँ क्योंकि किचन साफ करना, झाड़ू लगाना, क्योंकि पहले पहले सफाई होगी तो फिर बंदा आगे काम करेगा। सबसे पहले सफाई होती है घर की, सफाई ना होना अच्छा नहीं लगता घर में होता है ना, ऐसा लगता है कोई थे। हाँ, फिर मेहमान ममून भी क्या पता शायद आ जाए, मेहमान ममून में क्या आ जाए, फिर घर में गंद मचा होता है ना, आ जाएगा बस घर में। हाँ मेहमान ही आ जाता है। हाँ तो बिलाल वो देखें जी, वो लकड़ियाँ जो है ना अम्मी को टोक के दे रहा है। ये देखें सेवियाँ बनानी है क्योंकि हज वाले दिन जो है ना मीठा चलता है ना। बिलाल टोपी कैसे पहनी हुई है? हाँ टोपी, हाँ अच्छा ऐसे हो जाती है, चलें जी हो जाती है जी बिलाल की, ऐसे बदल जाती है। तो अम्मी जान ने वहाँ से झाड़ू लगाने के बाद जो है ना किचन में शुरू कर दिया है क्योंकि किचन में जो है ना सब कुछ बनाना है ना, और इसलिए जो है ना किचन की सफाई ज़रूरी है। चलें जी जल्दी जल्दी धो लें ना धूप निकलने से पहले, सफाई कर ली है ना किचन की, बस थोड़ी सी रह गई है। कर लेती है तो फिर जो बर्तन है ना सेवियाँ पकाने वाला कोई पतीला कोई, और उसको धो करना, फिर इसका मतलब आग शाग जलाएंगे तो आगे का माहौल, सेवियाँ की तैयारी कराएंगे इंशाल्लाह। चलें जी मिलते हैं फिर सेवियाँ। चलो जी जो सेवियाँ बनाने के लिए बर्तन थे वो अम्मी जान जो है ना और धोने की तैयारी में है। इस बड़े पतीले में बनानी है छोटे में बनाना है? एक पतीले में बना लो। वो उबालने वाली है, उबालने वाली सेवा है, उबालने वाला नहीं है। हाँ दूसरा नहीं है, वो शक्कर वगैरह लेके दी है। और बिलाल देखे जी लकड़ी ले आया है। मैं तो देखी नहीं पता उबालने वाली में सेवा है। चलो इसमें भी बन जाए, वो फिर ना होए ना सही नहीं बनती, फिर वो इकट्ठी हो जाती है सारी। थोड़ी थोड़ी दो दफा, हाँ दो दफा ऐसे कर लेते हैं, दो दफा बनाएंगे। चलें जी बड़ा पतीला है ना इतना बड़ा, बड़े पतीले हाँ कैसे बनेगी पता नहीं क्या हो गया आज वाले दिन इनको क्या हो गया इतना बड़ा पतीला। हाँ। पता नहीं क्या घुस रहा है। चलें जी बर्तन वगैरह धोते हैं। और बिलाल जो है ना लकड़ी भी ले आया, वो क्या करने के आग लगाने के लिए, काख भी ले आया बिलाल। हाँ काख भी ले। इधर देखें जी बिलाल जो है ना अम्मी के लिए आग जला रहे, काख ले आए हो, वाह जी वाह। ये लकड़ियाँ गीलियाँ सूखी हैं, ये देखें माशाल्लाह। आग जो है ना काक्षक रख दिए, माचिस से डब्बी ले आए हो? हाँ लेके आओ। तो अम्मी जान से पूछते हैं कितना रह गया, धो लिए? पानी इसके अंदर भरने वैसे उबालनी है? पता नहीं मैं तो देखी नहीं क्या है उबालने वाला है। चिट्टियाँ कह रहे हैं, ये पानी भर के ले आना, देख लो फिर जो भी हो वैसे बना लेना। तो माशाल्लाह जी पानी वगैरह भर लिया अम्मी जान ने। अभी जो है ना अपने किचन में जो है ना जा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है ये सेवियाँ जो है ना अम्मी जान वो उबालियाँ समझ रही है, इसलिए पानी जो है ना भर के ले आई। वो देख लेना वो सामने पड़ी है, बिलाल लेके आओ। देखते हैं ना कौन सी हैं, ये पानी वाली हैं या दूसरी हैं भूनने वाली हैं। ले आए ले आए, मेरे हिसाब से शक्कर भी है साथ में, ये उबालने वाली हैं। एक एक डब्बा उबाल लेना पहले, तो ना उबले जाने नहीं उबले, ये आधा किलो वाला है, ये इकट्ठे नहीं उबलेंगे, ये टूट छूट जाएंगे सारे। ये ठंडे पानी में डालने हैं? नहीं हाँ फिर उबलेंगे। हाँ ये देखें जी आग भी बिलाल ने जो है ना जला दी है। ये देखें माशाल्लाह जी आग काफ़ी सारी जल गई है और पतीला भी ऊपर रख दिया, सेवियां भी ले आई, अम्मी जान भी आ चुकी है। अभी जो है ना इसको उबालते हैं। हाँ किचन में रख दो, हाँ ये वाली जो है ना इधर रख दो इस साइड पर। चलें जी माशाल्लाह अभी जो है ना सेवियों की तैयारी श्यारी हो रही है। और साथ रहना है, जो न्यू चैनल पे आ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। पतीला ले आए हो? ओ ना जो सेवियां थी ना, हाँ वो छोटे पतीले में ना सही नहीं उबलन गया। अच्छा तो बड़ा रख लेती हूँ ना ते अच्छी खुलिया खुलिया। हाँ अच्छा अभी इस बड़े पतीले में तैयार हो रही हैं। अभी जो है ना बड़े पतीले में जो है ना सेवियाँ तैयार हो रही हैं। ये पतीला जो है ना ये नाकाम हो गया क्योंकि ये देखें बड़ी बड़ी दो डब्बे हैं माशाल्लाह। ये देखें एक ये है एक ये है, इसके साथ जो है ना शक्कर भी है। ये देखें ये उबालने के बाद जो है ना ऊपर शक्कर जो है ना डाल के फिर खाएंगे माशाल्लाह। ये देखें शक्कर और ये दो डब्बे जो है ना सेवियों के हैं। कमेंट में बताना है नाम क्या लिखा हुआ है। तो माशाल्लाह ये देखिए और आग भी काफ़ी जल रही है। अमीन जान ये तो पानी फिर उसमें डालोगे दूसरे डब्बे में? हाँ ये तो आग तो माशाल्लाह काफ़ी जल रही है ना। ये देखें जी पानी जो है ना बदल कर बड़े पतीले में डाल दिया है। अभी ये काफ़ी है पानी इतना अमीन जान? हाँ जी। ये हो जाएंगे दोनों पक जाएंगे। हाँ अभी देखें जी बड़े पतीले में हम दो सेवियों के पैकेट जो है ना अभी जो है मेरी अम्मी जान बोल रही है बन जाएंगे। वाह जी वाह। चलें जी देखते हैं जी आज कैसे बनते हैं इस बड़े पतीले में। पहले बनाया कभी इस पतीले में अम्मी जान? कभी नहीं बनाया। पहली दफ़ा बना रहे हो? पहली दफ़ा। चलें जी पहली दफ़ा इस बड़े पतीले में। वैसे चावल वगैरह तो बनाते नहीं रहे? हाँ, खाना थोड़े से बंदे होते से ना। हाँ दो चार। हाँ सिस्टर भी आई है बच्चे भी आए हैं। हाँ बड़ा दिन है ईद हज वाला दिन है फिर रल मिल के ना खत्म वगैरह देना है ना फिर खत्म वगैरह देना है। बच्चे रल मिल के खाएंगे ना। हाँ अल्लाह पाक इंशाल्लाह बरकत पाएगा पतीले को बरकत पाएगा इंशाल्लाह। हाँ अभी देख पकाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। चलें जी पहले पानी उबालते हैं। पानी उबालने के बाद जो है ना आगे की जो रूटीन होगी फिर मिलते हैं। माशाल्लाह जी पानी उबाले खा रहा है अम्मी। हाँ जी डालें माशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सारी सेवियाँ इसके अंदर डालें तो ये है ना बन के बाहर निकलें। ये देखें पानी के जो है ना फुल तैयार है। पानी कह रहे बस डालें मेरे अंदर मैं जो भी चीज़ डालनी है मैं एक मिनट में बना दूँगा। चले अम्मी से जो सेवियाँ नहीं खोल रही हैं। खोल कर खुल गई। ऐसे तोड़ के डालनी है ऐसे ही डालनी है? ऐसे करके ना ऐसे करके डालनी है जी। चलें जी ये सेवियाँ जो है ना हमारी जो है ना पतीले के अंदर जो है ना जा रही हैं। जल्दी जल्दी दोनों डाल दें और ये तो नीचे टूटी हुई है। ये देखें जी एक जो है डब्बा इसके अंदर चला गया। अभी दूसरा इसके अंदर चिमच भी मारते हैं? हाँ जी चिमच भी मारते हैं। चिमच तो लेके नहीं आए। तमन्ना चम्मच लेके आओ। तमन्ना अंदर चम्मच लेके आओ। चम्मच लेके अंदर से। चलें ये भी दूसरा डब्बा जो है ना अम्मी खोल रही है और ये जो है ना तोड़ टूट के सट रही है कुछ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह 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 आ रही हैं सेवियाँ बस माशाल्लाह जी डाल दिए। और हज की सेवियाँ जो होती हैं ना बड़ी लजीज बनती हैं। हज वाले दिन की सेवियाँ बड़ी मज़े की बनती हैं। हज वाला दिन बड़ा दिन होता है बरकतों वाला होता है ना। हाँ चलें जी इसके अंदर जो है ना डाल दिए माशाल्लाह सेवियाँ। जल्दी आओ जल्दी। और ये देखें जी अभी मिक्स कर दिया पानी के अंदर जो अभी इनको भी अभी और उबालना है। हाँ जी मैदे वाला होता है ना। हाँ मैदे वाली मैदा तो बंदे के अंदर होता है यार। ये कैसे मैदे वाली हो गई? ये तो मैदा तो बंदे के अंदर मैदा होता है। इसके भी अंदर मैदा होता है। अच्छा इनके भी अंदर होता है मैदा। चलें जी मैदा इनके भी अंदर होता है जी। चलें जी अभी इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लगाते हैं ढक्कन तो फिर मिलते हैं क्योंकि ये उबल जाए है ना। हाँ जी मैं ना। हाँ तो ना ऐसे अच्छा घी भी गर्म करना है? हाँ घी भी डालना है। घी डालते हैं? हाँ जी सही। ये देखिए जी घी भी डालना पड़ता है इस तरीके से कौली में डालकर गर्म करके। हाँ जी चलें जी इसको आप गर्म कर लें। कैसे रखना है? परले चुंबी पर। चलें जी परली साइड पे रख दें क्योंकि ये हो जाएगा गरम। सेवियाँ भी बन जाएंगी और ये गरम भी हो जाएगा। चलें जी सेवियाँ हमारी उबल गई हैं। अम्मी जान जो है ना बताया नहीं। ये देखें नलके में ले आई और इसके अंदर जो है ना डालेंगे और ऊपर इसके ऊपर पानी ठंडा डालेंगे। वाह जी वाह। ये देखें तैयार हो रही हैं सेवियाँ। बस ये फुल ठंडी नहीं करनी पड़ती। ये देखें जी अभी हमारी जो है सेवियां का पानी जो है ना नीचे जो है देख रहे हैं पानी निकल रहा है। ये हो गई है तैयार। इसके अंदर अभी घी डालना है ना। हाँ जी घी डाल के और शक्कर डालनी है। हाँ। चलें जी ये हो गया तैयार। अभी घी भी आपके सामने जो है ना ये गर्म हो रहा है। ये देखें जी माशाल्लाह ये हो गई है तैयार। अभी घी भी माशाल्लाह गर्म हो रहा है, शक्कर भी साथ में रखी हुई है। चलें जी माशाल्लाह जी सेवियाँ जो है ना अम्मी इधर तकसीम कर रही है क्योंकि खुले थाओं में ये वो जुड़ ना जाए इसलिए। नहीं वो जो शक्कर है ना वो मिक्स अच्छा मिक्स करनी है अच्छी तरीके से इसलिए। हाँ। तो घी जो है ना मुकम्मल जो है ना गर्म हो चुका है आपका। हाँ। तो वो घी उठा ले नहीं है। हाँ उठा ले। हाँ तो काफ़ी है घी इन दोनों में। देखो मैं थोड़ा से अलहदा कर रहे हो तो बिलाल साहब देखें जी और में चल ठीक। और बिलाल जी ना सुबह सुबह जो है ना सत्तू के जो है ना छिकरा है सत्तू। हाँ, के गिलास इसमें ना उठा करते हो। ओ देखो दोपहर भी आ गया, दोपहर को उठाओ। ये अभी जो है ना मैं इसकी गरम काफ़ी है अम्मी जान, गरम काफ़ी है। चांद से माशाल्लाह जी घी तो मैंने उठा लिया, काफ़ी गर्म था। तो माशाल्लाह शक्कर इसके अंदर जो है ना डाली जा रही है। वाह जी वाह शक्कर का रंग चेक करें कितना ही प्यारा लग रहा है। चिट्टे रंग में शक्कर बहुत ही प्यारी लगती है ना। चले पहले इसमें मेरे हिसाब से इसमें शक्कर डाल के बस काफ़ी है। तो घी इसमें चम्मच से साथ उठाना क्योंकि अब काफ़ी गर्म है। इसको तो चिमड़िया हुआ है उठा लो जल्दी जल्दी ना। हाँ डाल दो बस। ये तिड़क रही है पापड़ की तरह। डाल दे डाल दे डाल दे डाल दे। बहुत गर्म है ना। हाँ मेरे हाथ जल गए कपड़े के साथ भी। चलें जी घी डाल दिया है। अभी इसको अच्छी तरीके से कर रही है मिक्स अम्मी जान। वाह जी वाह काफ़ी बच्चा आ गया है गरम है। हाँ, बैठ जाए जी शक्कर हमारी जो है ना ये रल चुकी है। और मीठा चेक किया कैसे है मीठा। हाँ, अच्छा है। चले जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह प्लेटों में तकसीम कर रहे हो। हाँ जी चलें जी जिस बहन भाई को हज वाली सेवियाँ खानी है तो हमारे साथ आके खा सकता है। माशाल्लाह बड़ी टेस्टी बनी हुई है। हाँ जी हाँ चले प्लेटों में डालें और बच्चों को दें सबको दें। मैं ना बुलाता हूँ सबको ठीक है। हाँ जी हाँ जी तो आप जो जल्दी जल्दी तकसीम कर लें मैं बुला के आता हूँ। ये जो बैठे हैं इसको दे देना। हाँ सबको देते हैं बच्चों को देखे माशाल्लाह सेवियाँ दे दी हैं। कैसी लगी। बहुत अच्छी। वाह जी वाह अच्छा बहुत अच्छी। वाह जी वाह अबू जान आप भी शुरू करें क्यों बैठे हैं। हाँ करें करें शुरू। बताएं अम्मी की सेवियाँ कैसी लगी आपको। बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी हैं। वाह जी वाह लाइक मिल रहे हैं। कैसी हैं। सही है। मीठा सही है। सही है मीठा। हाँ चलें जी अमीन अबू जान बोल रहा सही है। हाँ हाँ वो शानू को भी दे देना प्लेट में डाल के। है वो अंदर बैठा हुआ है। आप क्या देख रहे हो। बच्चे वगैरह को दे दिए और आप भी शुरू हो गए। और माशाल्लाह जिस बहन भाई को खानी है। तो भूख लगी थी मैं क्या। हमको या तुमको। हम आखते तुम आखते पता क्या क्या मुझे भूख लगी हुई है। मुझे भूख लगी थी मैं क्या चलो मैं भी पेट भर के खा लूँ। चलें जी माशाल्लाह सेवियाँ मिले हैं। अच्छा सही सही। चलें जी माशाल्लाह खाएं खाएं शुरू करें। खाने आता है आ जाओ। हाँ मेरी प्लेट डालें ना। तो माशाल्लाह जिस वीवर को हमारी सेवियाँ खानी है तो माशाल्लाह आ सकता है। तो सेवियाँ खा के फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी आप क्या बना रहे हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ख्याल से माशाल्लाह कैसे बना रहे हो। कैसे ये उतारे ना डाल दिए चावल। ये नमकीन बना रहे हो जो चारे बना रहे हो मीठे बना रहे हो। वाह जी वाह, ये देखें जी नमकीन चावलों की उबलाई हो रही है। सब कुछ डाल दिया इसके अंदर। हाँ मसाले वगैरह मैंने बुनाई कर लिए हैं, चावल भी डाल दिए। चले जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें लुक चेक करें, काफ़ी बेहतर आ रही है माशाल्लाह, मज़े की लुक आ रही है ना सब्ज़ मिर्चों वाला। हाँ लुक बड़ी मज़े की आ रही है, दिल कर रहा है यहाँ से कटोरा भर के छेक लो। अभी तो कच्चे हैं। और माशाल्लाह जी हमने जो सेवियाँ वगैरह बनाई थी तो आपने खाई है, तो मेरी तरफ से आपको हज मुबारक। हाँ जी खैर मुबारक। तो माशाल्लाह जी हज के सेवियाँ खाने के बाद देखें अम्मी जान का काम शुरू हो गया बर्तनों धोने का। पहले पहले भी शुरू से बर्तन धो रही थी, अभी जी अभी भी देखें माशाल्लाह, अभी खा पी कर जो है ना बर्तन देखें अम्मी जान के बड़े बड़े पतीले रखे हुए हैं ना अम्मी। हाँ जी चलें जी, और अम्मी जान पतीले शतीले धोले और मुकम्मल देखें अभी जो है ना सूरज मुकम्मल निकल आया है। पूरा दिन जो है ना जिसे बोलते हैं वैसा हो गया है माशाल्लाह। और सेवियाँ खाने के बाद बहुत ही सुकून मिला, अभी जब चावल खाएंगे और सुकून मिल जाएगा। चलें जी माशाल्लाह।